कोरोना काल में बंद हुए सिनेमा अब फिर से गुलजार होने के लिए तैयार हैं। लगभग 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति के बाद सभी मल्टीप्लेक्स लोगों को अपनी सुविधा देने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गाजियाबाद के मध्य स्थित आपुलेट मॉल में PVR सिनेमा ने लोगों को सुविधा देने के लिए और COVID-19 संक्रमण से बचाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। वह नई तकनीकी लागू करने के बाद लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं, जिसमें टिकट और फूड का ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिससे संक्रमण से किसी हद तक बचाव हो सकता है। एक्चुअली हमने प्रॉपर सेफ्टी पॉइंट अभी को देखते हुए ड्यू टू कोविड हमने एक दिन एक्स्ट्रा लिया है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन और सारे सेफ्टी पॉइंट्स ऑफ व्यू को देख के हर एक चीज़ कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाया, इसलिए हमने एक दिन एक्स्ट्रा लिया और हम कल से ओपन कर रहे हैं। कितने शो यहाँ डेली चलेंगे? अभी तो हम नॉर्मल शो चला रहे हैं 5-6, उसके बाद जैसे भी बिजनेस जैसा होगा वैसे उस हिसाब से हम इसको चेंज करते रहे। कौन कौन सी मूवी आप चला रहे हैं? अभी हमने तानाजी चलाई है, थप्पड़ है और शुभ मंगल है और सावधान है। अपने ग्राहकों के लिए आप क्या सुविधा नई लेकर आ रहे हैं जिससे उनको COVID-19 से बचाव हो सके? हम अपने ग्राहकों के लिए सारे चीज़ हैं सर, जो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं हम, उसके बाद प्रॉपर हर एक बंदे का यूवी सैनिटाइज के लिए हमने यूवी मशीन रखी है, वो मोबाइल पर्स वैलेट अपना वो सैनिटाइज कर सकता है। हम उनको यूवी सैनिटाइज फूड्स देंगे, हर एक फूड जो है वो सैनिटाइज होकर मिलेगा। उसके बाद हम उनकी स्कैनिंग कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने मार्किंग कर रखी है हर एक जगह। हमने जितने भी टिकट्स थे या जो भी बिल था वो हमने कैश पेपरलेस कर दिया है, जिससे कोई भी ट्रांसमिशन ना होने पाए कोविड का। और उसके बाद हमने जो बैठने का सीटिंग प्लान था उसमें हमने 50% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने के लिए अलाउड किया। फूड के लेके क्या कहना चाहते हैं आप? फूड सर बिल्कुल हमारा जो है मैकडी हुआ और भी जो ब्रांड्स हैं उनसे ज़्यादा सेफ्टी है, बिकॉज ऑफ कि हम फूड प्रिपेयर करने के बाद उसको यूवी सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम सर्व कर रहे हैं। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.